subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news. चेंबूर कॉलोनी युवक मंडल के माध्यम से एनुअल डे सेलिब्रेशन का भव्य आयोजन रखा गया। इसमें मुख्य रूप से विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक बॉलीवुड गानों पर डांस परफॉर्मेंस कर उपस्थित लोगों का दिल जीत लिया। इस एनुअल डे में बड़ी संख्या में लोगों ने उपस्थिति दर्शाई और कलाकारों का मनोबल को बढ़ाया। इस प्रोग्राम में उपस्थित मानवों को चेंबूर कॉलोनी युवक मंडल के माध्यम से विशेष सम्मान देकर सम्मानित किया गया।
इस संदर्भ में अधिक जानकारी चेंबूर कॉलोनी युवक मंडल के प्रेसिडेंट नरेंद्र कालरा, सेक्रेटरी पप्पन सहेजा व अन्य मानवों ने प्रोग्राम की सराहना करते हुए अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। आज हमारी संस्था चेंबूर कॉलोनी युवक मंडल अपना एनुअल फंक्शन कर रही है। हमारी संस्था के संस्थापक श्री अंशु अडवाणी जी का जन्मदिन होता है 22 फरवरी को। इस उपलक्ष्य में जो चेंबूर कॉलोनी युवक मंडल की जितने भी प्रक्रम हैं, अभी 15 हैं उनमें से, वो सब मिलकर उनकी बर्थडे को हम दो मेन प्रोग्राम्स करके मनाते हैं। पहला एक वॉकथॉन होता है जो डायमंड गार्डन से लेकर अम्बेडकर गार्डन तक सीनियर सिटीजन्स के लिए होता है, और वो हमारा कल था, और आज हमारा एनुअल फंक्शन है जिसमें CCYM की जितने भी प्रक्रम है, जैसे हर्षु अडवाणी कॉलेज ऑफ स्पेशल एजुकेशन, रुचिराम खाड़ानी स्कूल और अनिल असरानी वोकेशनल कॉलेज जो मुख्य है, ये तीनों मिलके सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं। उसके अलावा बच्चों को प्राइजेज वगैरह दिए जाते हैं। इस तरह हम अपने संस्थापक का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। नमस्कार, आज हमारे स्कूल रुचिरामपुर खदानी स्कूल पर हेयरिंग हैंडीकैप का एनुअल डे फंक्शन है। ये हम लोग हर साल श्री अशु जी के जन्मदिन पर मनाते हैं। उनकी याद में उनके उन्होंने हम लोग को गाइडेंस दिया था, ये स्कूल का उन्होंने स्थापना किया और हम लोग को गाइडेंस दिया कि हम आगे स्कूल को कैसे चलाएँगे, जो बच्चों को हम कैसे संभालेंगे, टीचर्स का हम कैसे मदद देंगे, और पूरे जो नेबरहुड है उनका हम कैसे ख्याल रखेंगे, उसकी याद में हम लोग कार्यक्रम करते हैं नेबरहुड को बुला के। ये हमारे लिए बड़ा फंक्शन होता है। हम लोग को बहुत खुशी है कि हमारे बच्चे बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं। ये साल हमारे 100% SSC का रिजल्ट है, 100% ड्राइंग कॉम्पिटिशन का रिजल्ट है, 100% डांस का रिजल्ट है। उन्होंने इवन ऑल बॉम्बे लेवल पे स्पेशल चिल्ड्रेन का कंपटीशन में फर्स्ट स्टैंड आया है, और ऑल बॉम्बे दिव्याकरण का जो स्पोर्ट्स रहता है उसमें हम लोग फर्स्ट आए, इंक्लूडिंग का जो बैंड है उन्होंने फर्स्ट प्राइज जीता है। कल रोटरी क्लब का एनुअल डे फंक्शन में उन्होंने रोटरी का बैंड का प्रेजेंस करके फर्स्ट प्राइज जीता था। हमारे बच्चे बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, हमारे उनकी मेहनत कराने के लिए हमारे टीचर्स बहुत मेहनत कर रही हैं, तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं हम अपने प्रिंसिपल का, टीचर का, जो इतना मेहनत करके बच्चों को बहुत सिखा रहे हैं। युवक मंडल एक कर्णबधिरों के लिए और अन्य दिव्यांगों के लिए एक वट वृक्ष आज भी है और भी हो सकता है, क्योंकि शिक्षा, प्रशिक्षण और पुनर्वसन ये युवक मंडल का अशु जी ने दिया हुआ एक वरदान विचार है। विचारों में ही वरदान है कि जैसे आज दिव्यांग शिक्षण, प्रशिक्षण और पुनर्वसन, और हर इसमें शिक्षा के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में और व्यवसाय के क्षेत्र में वो अपने स्किल्स के आधार पर, अपने शिक्षा के आधार पर समाज के मुख्य प्रवाह में आने चाहिए, ये हमारा उद्देश्य है। ये ध्येय लेकर हम पिछले 30-35 सालों से चल रहे हैं। आज जो शब्दावेल प्रकाशित हुआ उसका हेतु भी ऐसा ही है कि दिव्या खास करके कर्णबधिरों के लिए साहित्य है नहीं, जहाँ तक पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक का शिक्षा का विषय है, वहाँ कहीं पर भी प्रिस्क्राइब पुस्तकें है नहीं। फर्स्ट स्टैंडर्ड से जो सामान्य बच्चे उपयोग करते हैं वो ही ये बच्चे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसको सप्लीमेंटरी बुक्स लगते हैं, और ये युवक मंडल 27 साल से प्रकाशित कर रहा है, और आज तक लगभग महाराष्ट्र में सभी कर्णबधिरों के स्कूल्स में, इवन सामान्य बच्चों से भी ये उपयोग में लाया जाता है। जहाँ पर इंग्लिश माध्यम है और मराठी भाषा जहाँ कंपलसरी है, वहाँ हमारा पुस्तक उपयोग में लाया जाता है। आपका नाम? मेरा नाम सुभदा सातपुत्र, मैं उप मुख्याध्यापिका हूँ रुचिराम खड़ानी स्कूल पर।
और जो वोकेशनल सेक्शन है उस पर हमने निश्चित ही प्रथम ऐसा 15 साल का प्रोजेक्ट किया है। जब महाराष्ट्र में ये ऐसा इस प्रकार का प्रशिक्षण चालू भी नहीं था, विचारों में भी नहीं था कहीं पर व्यवसाय प्रशिक्षण, केवल उद्योग पूर्व प्रशिक्षण स्कूल के स्तर से, तो वो पहले बार युवक मंडल ने किया। और 20 साल का हमारा एक अनुभव और एक डॉक्यूमेंटेशन है, उसका डॉक्यूमेंटेशन का नाम आरोही है, वो मैं आपको दे सकती हूँ जहाँ आपको डॉक्यूमेंटेशन पूरी तरह से मिलेगा। अच्छा मैडम, आप इस संस्था में कितने साल से काम कर रहे हैं आप? 30 साल में अगर आपको इस काम को अंजाम देने के लिए, काम करने के लिए कुछ जो है तकलीफें आई होंगी? तकलीफें ज़्यादा करके क्योंकि युवक मंडल से मैं जुड़ी थी, तो जहाँ पर काम है वहाँ पर धन की तो मुझे कभी कमी महसूस नहीं हुई, लेकिन जहाँ पर एक विचारों की ये चाहिए, विचारों की एक समृद्धि चाहिए, वो उसका प्रयत्न, उसकी खोज करने में थोड़ी मुझे दिक्कत हुई। बाकी ऐसे संघर्ष तो हर एक को करना पड़ता है। स्वर्गीय हर्ष आडवाणी जी चैम्बर कॉलोनी युवक मंडल के स्थापक थे। उन्होंने 1953 में इस संस्था का स्थापना किया था। उस समय हम चैम्बर में शरणार्थी के रूप में थे, जिन्होंने शरणार्थियों को बहुत मदद की। और 87 में यह विशेष शाला इन दिव्यांग बच्चों के लिए उन्होंने स्थापित किया है। आज उनका जन्म दिवस है, आज हम उनको याद करके अपनी श्रद्धांजलि उनके चरणों में समर्पित करते हैं। यह शाला महाराष्ट्र में सबसे बड़ी शाला है और SSC तक बच्चे पढ़ते हैं और अन्य अन्य प्रयोगों से अपनी पैरों पर खड़े रहने का प्रयत्न करते हैं। आज उनकी स्मृति में हम बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ यह कार्यक्रम उनके जन्मदिवस के प्रति मना रहे हैं। धन्यवाद। वैश्विक ध्येयधोरणाचा पाठपुरा करत भारताने सुद्धा समावेशित शिक्षणाची कास धरली आहे। समावेशित शिक्षण म्हणजे काय? तर विविध जाती धर्माची, विविध कौशल्यांची, क्षमतांची मुलं एका छताखाली शिकणार, हा विचार खूप चांगला आहे आणि मुख्य प्रभावाच्या शाळेत सगळी मुलांना आणलं पाहिजे। पण परंतु हा प्रश्न आहे की काय मुख्य प्रभावाच्या शाळा, ज्याला आपण नॉर्मल शाळा म्हणतो, त्या अपंग मुलांसाठी तयार आहेत का? शिक्षक, शाळा, पाठ्यक्रम हे सर्व अपंग मुलांना सामावून घ्यायला आज तयार आहे का? ह्या सगळ्याचा विचार अशु अडवाणींनी खूप अनेक वर्षांपूर्वी केला आणि शिक्षकांची टास्क फोर्स तयार करण्यासाठी अशु अडवाणी विशेष शिक्षण महाविद्यालय सुरू केलं। यामध्ये आज BEd अध्ययन अक्षमता म्हणजे लर्निंग डिसेबिलिटी आणि BEd कर्णबधिर म्हणजे हिअरिंग इम्पेअरमेंट असे दोन पाठ्यक्रम दिले जातात। ते मुंबई विद्यापीठाशी संलग्नित आहे आणि भारतीय पुनर्वास परिषदेतर्फे मान्यता प्राप्त आहे। मी आपल्या माध्यमाचा उपयोग करून सर्व तरुणांना, यूथ ऑफ द टुडे, आय रिक्वेस्ट देम आणि मी त्यांना असं आवाहन करते की स्पेशल एज्युकेशन, विशेष शिक्षण याकडे त्यांनी चॅरिटी म्हणून न बघता त्यांनी त्याच्याकडे एक प्रोफेशन म्हणून बघावं, एक करिअर संधी म्हणून बघावं। तिथे उच्च शिक्षण, समाधान आणि चांगल्या करिअर संधी उपलब्ध आहेत। मी सर्वांना आवाहन करेन की विशेष शिक्षण याच्याकडे त्यांनी करिअर संधी म्हणून बघावं आणि BEd विशेष शिक्षण ह्या कार्यक्रमाचा विचार करावा। आणि ह्याच अर्थाने आपण अशुजींचं स्वप्न पुढे नेऊ शकतो आणि आपल्या भारताचंही जे स्वप्न आहे एज्युकेशन फॉर ऑल म्हणजे शिक्षण सर्वांसाठी, त्याची पूर्तता आपण करू शकतो। नमस्कार। आज आमचे हशूजी, हशू अडवाणी यांचं 94 जन्मदिवस मनवण्यासाठी आम्ही इथे एकत्र जमलेलो आहोत। तुम्ही इथे बघत असाल, इथे प्रत्येक जण, प्रत्येक स्टुडंट, प्रत्येक टीचर आणि प्रत्येक चालक इतक्या उत्साहाने इथे मुलांचे कार्यक्रम बघण्याकरता आणि मुलांना तयार करण्याकरता आलेला आहे। आमच्यासाठी हशू अडवाणी यांनी
ही जी शाळा सुरू केली आणि त्यामध्ये विद्यार्थ्यांना जे शिक्षेचं आम्हाला त्यांनी ही संधी दिली त्याबद्दल आम्ही त्यांचे नेहमीच ऋणी राहू आणि त्यांनी दोन आदर्श इथे घालून दिलेला आहे की विद्यार्थ्यांची फक्त शैक्षणिक नाही तर ओव्हरऑल डेव्हलपमेंट आम्हाला करायची आहे. विद्यार्थ्यांना असं करायचं आहे की आमचे विद्यार्थी बाहेर कुठेही गेले तर कुठल्याही जगात गेले तरीही त्यांना त्यांचे जे गुण आहेत जे शाळेमध्ये त्यांनी मिळवलेले आहेत ते गुण दाखवण्याची संधी त्यांना मिळेल आणि फक्त शैक्षणिक संधीवर आम्ही भर न देता आम्ही इतर जे त्यांचे कलागुण आहेत जसं स्पोर्ट्स आहेत जसं त्यांचे नृत्य आहेत जसं रोबोटिक्स आहेत आजच्या कार्यक्रमामध्ये तुम्ही बघितलं असेल की विद्यार्थ्यांना स्टुडंट ऑफ द इयरचा अवॉर्ड दिला गेला हा केवळ त्यांच्या ओव्हरऑल परफॉर्मन्स करता दिला गेलेला अवॉर्ड आहे. म्हणजे विद्यार्थ्यांनी शाळेतून फक्त शिक्षण संपादन न करता त्यांनी सुसंस्कारित होऊन जाणं हे जे आम्हाला ज्ञान त्यांनी दिलेलं आहे आणि ही जी शिकवण आम्हाला दिलेली आहे त्याकरता आम्ही त्यांचं सदैव ऋणी राहू आणि ही जी शिकवण आम्ही संपादन केलेली आहे ती आम्ही आमच्या विद्यार्थ्यांपर्यंत कशी पोचवू हे आम्ही नक्कीच जोपर्यंत आम्ही सर्व्हिसमध्ये आहोत तोपर्यंत आम्ही हा नक्कीच प्रयत्न करतो. जम्मू कॉलोनी उपमंडळ से बचपन से जुड़ा हुआ हूँ और 12 साल से सेक्रेटरी पद संभाल रहा हूँ. गत 8 वर्षों से मैं सक्रिय काम कर रहा हूँ और पूरी तरह से अपना योगदान देता हूँ इस संस्था के लिए. हम पूरी कोशिश करते हैं कि अशोक अडवाणी जी के सिद्धांतों पर चलें और हमारा यह भी प्रयास हमेशा रहता है कि रुचिराम सदानी स्कूल में जो हेडी हैंडीकैप बच्चे हैं उनके जीवन में सुधार हो और वो समाज के ऊपर निर्भर न बने और इंडिपेंडेंटली अपना जीवन बिता सके. आवाज टुडे समीर खान की रिपोर्ट. सब्सक्राइब टू आवाज टुडे. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news.